अस्सलाम वालेकुम। ए सी का इंट्रोडक्शन दे देता हूँ आप लोगों को। ए सी क्या है, उसको बनाने का मकसद क्या था। आप लोग नोट करें कि मैं अक्सर फेसबुक के ऊपर पोस्ट डाल देता हूँ, मुझसे लोग सवाल करते हैं, मैं जवाब देता हूँ। आप लोग एनी टाइम फेसबुक ग्रुप में जाके एनोनिमस पोस्ट कर सकते हैं, मुझे टैग कर सकते हैं, मैं पर्सनली सबके सवालों का जवाब देता हूँ। लेकिन कुछ लोगों की ख्वाहिश होती है कि जी हम आपसे बात करना चाहते हैं जूम के ऊपर, हम फेस टू फेस आपसे 1-on-1 बात करना चाहते हैं। तो उसके लिए फिर ये ऐसे पेज बनाया गया है जिसमें आप एक 1-off session बुक कर सकते हैं मेरे साथ और मुझसे बात कर सकते हैं। अच्छा, कुछ लोग 6 महीने या साल का मेंटोरशिप ऑप्शन भी लेना चाहते हैं, वो भी ले सकते हैं। आप लोग 6 महीने साल की मेंटोरशिप ले सकते हैं मुझसे, जिसमें आप महीने में एक बार मेरे साथ जूम पे 1-on-1 बात करेंगे। और इसके अलावा मेरा व्हाट्सएप का नंबर होगा आपके पास, आप मुझे वॉइस नोट छोड़ सकते हैं, टेक्स्ट में बात कर सकते हैं, मैं आपको जवाब दे दूंगा, गाइड कर दूंगा। कुछ लोगों को तो मैं बाकायदा रेकमेंड करता हूँ कि आप लें, उसकी वजह बताता हूँ आपको। बिजनेस कर रहे हैं, पैसे बना रहे हैं, जिंदगी की क्लैरिटी नहीं पता कि जी मैंने अमेरिका जाना है, मलेशिया जाऊँ क्यों जाऊँ, कैरेबियन पासपोर्ट लूँ ना लूँ, कैनेडा का रास्ता कैसे निकलेगा, यूके जाऊँ ना जाऊँ, जॉब कर रहा हूँ, बिजनेस चल रहा है साइड में, मुझे यूके जाने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, जाऊँ ना जाऊँ। बहुत सारे इतने डिसीजन हैं लाइफ के कि इन्वेस्टमेंट करनी है, पैसे बनाने हैं, मेरे साथ ये चैलेंज आ गया, मुझे डिसीजन लेना है। तो डिसीजन मेकिंग में लोगों को हेल्प चाहिए होती है, और कुछ केसेस इतने लंबे होते हैं कि जिसमें मुझे कंसल्टेंट्स को इंगेज करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, आप कहते हैं सनी भाई मैंने E2 करना, सनी भाई मुझे अमेरिका का ग्रीन कार्ड चाहिए, मैं EB3 फाइल करना चाहता हूँ, तो मुझे आपके लिए स्टोरी लाइन क्रिएट करनी पड़ती है। स्टोरी लाइन से मुराद आपकी पूरी डॉक्यूमेंटेशन एक स्टोरी लाइन बनती है, पेंटिंग होती है पिक्चर की, जिसमें मुझे आपको कोई प्रोफाइलिंग करनी, मुझे आपकी कंसल्टेंट के हाथ में मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। इट डजंट वर्क दिस वे। कंसल्टेंट भी कहता है आपकी प्रोफाइलिंग क्या है, आपकी डॉक्यूमेंटेशन क्या है, आप कौन है, अमेरिका में आपकी LLC या पैसे बना रहे हैं, उसकी स्टोरी लाइन कैसे बनाएंगे कि जी डॉक्यूमेंटेशन कैसे दिखाएंगे आप कि जी आपको EB3 में शिफ्ट करना है, E2 में अपने आप को शिफ्ट करना है, मनी को वाइट कैसे करेंगे, मनी को वाइट करने के लिए आपने इनिशियल कैपिटल पाकिस्तान से अमेरिका ट्रांसफर किया था या नहीं किया था, जब नहीं किया था तो उसकी स्टोरी लाइन कैसे बनेगी। तो स्टोरी लाइन बनाने के लिए हमेशा किसी दिमाग को इन्वॉल्व होना पड़ता है, उसकी पूरी स्टोरी लाइन क्रिएट होती है, और स्टोरी लाइन क्रिएट के अंदर 6 महीने साल लग जाते हैं। आप उन प्रोसेसेस को, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं और फिर आपकी एक स्टोरी लाइन बनती है। उसमें मैं कंसल्टेंट्स को इंगेज करूंगा, अकाउंटेंट्स को इंगेज करूंगा, उन सबको अपने जूम सेशन पर लाऊंगा, आपको लाऊंगा कि भाई मुझे इस लड़के के लिए ये वाली प्रोफाइलिंग बनानी है, ऐसे बनानी है, और आप मुझे इस तरह करके दें। तो वो वाला जो काम है जो लंबा होता है, जिसमें मेरी रिकमेंडेशन है भाई आप 1 साल का मेंटोरशिप ले लें मेरे साथ, ताकि मुझे इंगेज कर सकें, मैं जूम सेशंस पे आ सकूं, मैं आपकी हेल्प कर सकूं, आपकी स्टोरी लाइन बना सकूं, आपको बिजनेस में क्या डिसीजंस लेने जा रहे हैं उसमें एडवाइस दे सकूं। मैं हर चीज का एक्सपर्ट नहीं। आप मुझे बोलेंगे सनी भाई मेरे HR में ये प्रॉब्लम आ गया, मैं इसको कैसे सॉल्व, हो सकता है मेरे पास जवाब ना हो उसका, तो मैं आपको रिकमेंड कर दूंगा फलां से बात कर लो, फलां से बात कर लो, इस किस्म की प्रोफाइल के बंदे को ढूंढ लो, ये ज्यादा बेहतर है आपके लिए, मैं आपको मशवरा अच्छा दे दूंगा, ठीक है। अच्छा, मुझसे अगर कोई पूछे कि क्या ये एक प्रोग्राम वर्थ इट है या नहीं है, तो मैं बोलूंगा एब्सोल्युटली यस। उसकी वजह यह है, काश 20 साल पहले मुझे ऐसा कुछ सनी अली मिला होता जिसने जिंदगी भर की मारे खाई होती, जो 46 साल का कोई बाबा होता, जो 25 साल में कितने तजर्बे कर चुका होता, मारे खा चुका होता, फेल हो चुका होता, सक्सेसफुल हो जाता, वो मुझे मशवरा दे सके। उसका 5 मिनट में वो एक डायरेक्शन मुझे ऐसी दे देगा, मेरी लाइफ इंपैक्ट हो जाएगी। तो मेरी खुश नसीब और खुश नसीब टू, ये 2 वीडियो जरूर देखिएगा आप लोग। मैं इनके लिंक्स नीचे डाल दूंगा, कोशिश करूंगा इसी पेज पे वो भी हो। उसकी वजह यह है कि आपका एक फैसला, यानी आप इंसान की खुशनसीबी उसके फैसलों में है। खुशनसीबी अल्लाह की तरफ से लिखी नहीं जाती, जो चीज अल्लाह की तरफ से लिखी जाती है वो तकदीर होती है, वो खुशनसीबी या बदनसीबी नहीं होती। तो खुशनसीबी या बदनसीबी आपके फैसलों की वजह से, इसको मैंने लॉजिकली प्रूफ किया है अपनी उन 2 वीडियोस के अंदर, जो आपने जरूर देखनी है, ताकि आपको पता लगे कि आपका एक फैसला आपको 5 साल या तो आगे ले जाएगा या 5 साल पीछे ले जाएगा आपको। तो अगली जिंदगी के 20 सालों में आपने को 5, 6, 10 मेजर फैसले करने हैं, वो फैसले राइट कर लें आप खुश नसीब हो जाएंगे, फैसले गलत कर लें आप बदनसीब हो जाएंगे। तो फैसला, मेरा मशवरा करें ना, हमेशा मशवरा लेके करें। मशवरा किसे लेते हैं, साहब राय से लेते हैं। साहब राय की डेफिनेशन क्या होती है, मैंने डिटेल में उन 2 वीडियोस में एक्सप्लेन किया है, वो वीडियो जरूर देखिएगा आप। तो अगर मैं उस पर्सपेक्टिव से देखूं तो यस, मेरी नजर में ये बहुत वैल्यूएबल प्रोग्राम है और वर्थ इट है। जो लोग जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, चंद पैसे बना रहे हैं, ग्रो करना चाहते हैं लाइफ में,
डिसीजंस लेने में हिचकिचा रहे हैं, डिसीजंस लेने में कंफ्यूज हो रहे हैं। ये इमिग्रेशन का डिसीजन हो सकता है, बिजनेस का हो सकता है, लाइफ का हो सकता है, किसी भी मौजू पे हो सकता है। जहां मेरा तजुर्बा होगा मैं आपको मशवरा दे दूंगा, उसके अंदर गाइड कर दूंगा, इसको ऐसे कर लो तो बेहतर है, ये काम मैंने किया हुआ, मैंने मार खाई भी इसके अंदर, तो भाई इसको ऐसे कर लो आप। ठीक है, तो ये था ASA का इंट्रोडक्शन, बाकी आप लोग देख लें, डिटेल्स आ रही इस पेज के ऊपर आप लोगों को मिल जाएंगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।